ये सब्जियां बस धीरे धीरे मोटी होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है हम कहीं नहीं पहुंचे। मार्क, येलो वुल्फ, मार्क मेरी मदद करो, मेरे पैर यहाँ धंसते जा रहे हैं, बचाओ। येलो, शुक्रिया मॉक, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, शुक्रिया दोस्त। तुमने क्या उम्मीद की थी? हाँ देख कर, वो सांप बहुत बड़ा है, चलो। इतनी बड़ी छिपकली, राक्षस, चलो यहां से चले। यहाँ से आगे मत जाना, वहाँ पर बहुत बड़े राक्षस हैं। सांप और बड़ी सी छिपकली, हमें वापस जाना होगा। तुम्हारे दोस्त सही कह रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। मैं सेमिनोल हूँ और इस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। घबराओ मत, मैं शांति के लिए आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे राज्य में। मेरा नाम पोको हंटस है। हाँ, मुझे पता है, कचीना की आत्मा ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ आ रही हो। उन्होंने मुझे तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की मदद करने के लिए कहा और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम सब नाव में बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन घोड़ों का क्या करेंगे? तुम इन्हें साथ नहीं ले जा सकते, इन्हें यहीं छोड़ना होगा। दुख की बात है, महान और ताकतवर इंसान जो कभी इस फायर माउंटेन के पास रहा करते थे, उनको एक गोरे इंसान ने बर्बाद कर दिया। उनका यहाँ नामो निशान तक नहीं बचा, ना ही कोई कहानी। तुम्हारा मतलब कोई नहीं बचा? जो कुछ बचे वो मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहे हैं। मैं और मेरे दोस्त उससे मिलना चाहते हैं, क्या तुम मिला सकते हो? कचीना से? कचीना की आत्मा? तुमने सही कहा, उन्होंने मुझे शक्ति दी है मदद के लिए, उनका शुक्रिया। सफर का माध्यम समय होगा। ये नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं समझी नहीं तुम्हारे कहने का मतलब। तुम्हारा सफर तुम्हें 100 साल पीछे ले जाएगा, मायन राज्य की सीमाओं के अंदर। फिर वहाँ तुम जाओगे एजटेक्स और इनकस के पास। सब कुछ उसी वक्त के अंदर होगा। वेल्स, डॉल्फिन्स और बैराकूडस तुम्हारे साथ होंगे। गुड लक पोकाहंटस। हम कई दिनों से नाव पर हैं, अब मुझे सूखी जमीन पर कदम रखना है। ए, हम तकरीबन पहुंच ही गए। पोकाहंटस, पोकाहंटस, मैंने अभी कुछ कमाल का देखा। शांत हो जाओ सिवा, शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ? बहुत विशाल शहर, बस वहीं पर। ये जरूर मायन शहर होगा। चलो चलते हैं मेरे दोस्तों। ये बहुत ही अलग है। ये तो बहुत सुंदर है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं, आप आए ये हमारी खुशनसीबी है। स्वागत के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा नाम पोको हंटर्स है, हम सब यहाँ शांति के लिए आए हैं। हम जानते हैं आप कौन हैं, हमारे पादरी ने बताया था कि आप आने वाली हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जेड फ्लावर बुला सकती हैं। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं हला क्वेनिक की बहन हूँ, वो हमारे मुखिया हैं। आपकी मुलाकात उनसे जल्दी ही होगी। इतना लंबा सफर तय करने के बाद आपको भूख लगी होगी। हाँ, सही कहा। कितनी अच्छी खुशबू है। ये शरबत हम कोको बीन्स से बनाते हैं। इसका स्वाद अलग और बढ़िया है। हाँ,
सही कहा। क्या तुम इसे हमेशा पीती हो? हाँ बिल्कुल, ये हमारा पसंदीदा शरबत है, लेकिन हम कोको का इस्तेमाल और भी बहुत सारी चीजों में करते हैं। हम इसे दूसरी चीजों से बदलते भी हैं। मतलब ये आपके लिए व्यापार है? हाँ बिल्कुल, हम उन्हें कोको देते हैं जिनके पास कोको की कमी है, और हम दूसरी चीजें उनसे बदले में लेते हैं। आपका मतलब कि आप कोको का व्यापार कभी भी कर सकते हैं जब आप चाहें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ से उक्समॉल नजर आता है। वाह, ये कितना बड़ा और सुंदर शहर है। जल्दी ही आप मेरे भाई से मिलोगी, वो बहुत खुश होंगे। ये मेरे भाई का महल है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि आप आ गए हैं। आप आराम कीजिए, नौकर आपकी देखभाल करेंगे। माया को मालूम है महल कैसे बनाए जाते हैं, भला कोई पत्थरों के महल में क्यों रहेगा। तुमने सही कहा, यहाँ बहुत सर्दी है। हे, क्या तुम में से किसी को पता है पोकाहोंटस कहाँ गई? नहीं, अजीब बात है, वो कहाँ जा सकती है? वो कौन है? पोकाहोंटस? हाँ मैं, ये माया की तरफ से तोहफा है। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, ये कपड़े तुम पर जच रहे हैं। ये तुम्हारी अच्छाई है होपियो। पता नहीं क्या हो गया पोकाहोंटस को, जिस लड़की को हम जानते थे। अच्छा मजाक है मॉक, ये कपड़े पहनने के बाद भी मैं पोकाहोंटस हूँ। माफ कीजिएगा राजकुमारी, मुझे जेट फ्लावर ने ये कहने के लिए भेजा कि हाला क्यूनिक आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। शुक्रिया युवरुबाया, तुम जा सकते हो, मेरे भाई आ रहे हैं। महान पुजारी, खड़े हो जाओ। पोकाहोंटस तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का स्वागत है। हमारे पुजारियों को पवित्र ओमेन ने पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ आने वाली हो, इसलिए आप मेरी उम्मीद में हो। जरा रुको, सैनिकों पोकाहोंटस को साथ लेकर जाओ, इनका यहाँ होना सम्मान की बात है। शुक्रिया होला क्विनिक, समारोह के लिए आप लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। समारोह कितना मजेदार है, ये मेरे लिए आपके लोगों तक संदेश पहुँचाने का सही मौका है। बिल्कुल, यही मेरी भी इच्छा थी। महान पुजारी ने हमें बताया कि तुम हमारे लिए संदेश लेकर आई हो। वो सच कह रहे हैं।
ये नेकलेस तो शानदार है। हमारे यहाँ के सुनार बहुत अच्छे कारीगर हैं। हाँ। ये सारे के सारे सोने के बने हैं और बहुत ही कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। हमारे कैलेंडर के अनुसार अब चंद्रग्रहण बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब वो धार्मिक समारोह शुरू होने वाला है जिसका हमें इंतजार था। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। सभी बड़े परिवारों के बेटे और बेटियाँ इसी स्कूल में ज्योतिषी विद्या सीखते हैं। साथ में लिखना, पढ़ना और बहुत सारे विषय। लिखना और पढ़ना, इसका मतलब क्या है? आपको नहीं पता? आइए मैं दिखाती हूँ। इस कैलेंडर के अनुसार चंद्र ग्रहण बनता है। क्या तुम ये लिखाई पढ़ सकते हो? हम सब कुछ लिख लेते हैं जो हम भूलना नहीं चाहते, तो इसे लिखना कहते हैं। इसमें उस युद्ध का वर्णन है जो हमारे और दूसरी प्रजाति के बीच हुआ। क्या तुम कह रहे हो ये लकीरें कहानी बताती हैं? बिल्कुल सही। पर कैसे? वो सही कह रहा है, ये सब बकवास है। दरअसल ये स्क्रिबल्स नहीं है, ये जितने भी निशान हैं ये शब्द हैं। मिलकर ये पूरी लाइन बन जाती है और फिर ये हमें कहानी बताती है। ये तो जादूगरी लगती है। इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो ज्ञान। इस दस्तावेज में भूतकाल में जो भी कुछ हुआ उस सब का हिसाब है? बिल्कुल, ये बताते हैं कि राजाओं ने कैसे शासन किया। पर इससे तुम संदेश भेज सकते हो। ये तुम क्यों करना चाहते हो? क्या तुम किसी को संदेश भेजना चाहते हो? तब भी किसी को भेजना पड़ेगा। लिखित की बजाय यूं ही संदेश भेज सकते हो। बिल्कुल सही, लेकिन वो संदेश भूल भी सकता है या गलत भी ला सकता है, लेकिन लिखित संदेश में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन हम सब अच्छे से कर लेते हैं। ये दस्तावेज क्या कहता है? ये खेल के नियमों के बारे में बताती है। इसका मकसद होता है लेदर बॉल को रिंग से निकालना। और ये? ये बताती है कि मंदिर और हमानी कैसे बना है। आप परेशान क्यों हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए बाहर चलते हैं, शायद अच्छा लगे। जरा उन सुंदर पक्षियों को देखो। आज की रात चंद्र ग्रहण लगने वाला है। हमारी गणना ये बताती है कि ऐसा चंद्र ग्रहण 73 सालों में सिर्फ एक बार ही होता है। हम ग्रहण के बारे में 300 सालों तक की भविष्यवाणी कर सकते हैं। या तो ये ऊपर वाले का इशारा है या फिर कोई इत्तेफाक। चंद्र ग्रहण उसी दिन पड़ा जिस दिन तुम लोग यहाँ पर आए। अब ये बुरा है या अच्छा ये पता नहीं। अपने शक को दूर करने के लिए हम बलि चढ़ाएंगे। बलिदान? हाँ, अपने खून को पवित्र करने के लिए। पर क्यों? किस लिए? हमें ईश्वर को बलि चढ़ाते रहना चाहिए, नहीं तो हो सकता है वो क्रोधित हो जाए और उनका प्रकोप हम पर बढ़ जाए। हाँ? क्या हुआ पोकाहॉन्टस, तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम बलि के बारे में सोच रही हो? जानता हूं पोकाहॉन्टस, बहुत बुरा हुआ था। महान आत्मा को बलियां नहीं चाहिए।
वो अपने लोगों में अमन देखना चाहते हैं। मायंस को ये समझ क्यों नहीं आता है? सही कहा, शायद महान आत्माओं ने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम इस बुरे रिवाज को खत्म कर सके। कल हम माया को ये बात समझाएंगे कि इतने सालों से वो गलत रिवाज को अपनाए हुए हैं। मैं बताना चाहती हूँ, आपकी बहुत याद आएगी। हम कल सुबह जल्दी चले जाएंगे। आपके जाने का दुख है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा कजिन आपके साथ जा रहा है। वो आपका अच्छी तरह ख्याल रखेगा, आप उस पर भरोसा कर सकती हैं। पोकाहंटस, यही है वो। हेलो। फिक्र मत करो, ये एस्टेक्स हैं। ओह, हम एस्टेक्स के योद्धा हैं। हम यहाँ आपको लेने आए हैं। उस भागते हुए आदमी के साथ क्या हुआ और बाकी सब शांत क्यों हैं? ये एस्टेक का दूत है जो पेपेरियस स्क्रोल के पास संदेश लेकर जा रहा है। ये दूसरे दूत को देगा, फिर वो तीसरे दूत को। बहुत ही अच्छा माध्यम एक दूसरे से बातचीत का। राजकुमारी पोकांटस, माफ कीजिएगा, आज की रात हमें यहीं पर अपना पड़ाव डालना होगा। कल हम खतरनाक डाकुओं के इलाके से गुजरेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। ये आपकी अच्छाई है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। उसके पास अपने सिपाही हैं। देखो, मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं। ओह, बुरा मत मानो, मुझे कोई खतरा नहीं है क्योंकि मेरे साथी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे राजकुमारी कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी एक आम इंसान हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं एरोस सिपाहियों की शक्तिशाली टुकड़ी से हूँ। मेरा नाम रेड हेरॉन है, और वो इसलिए क्योंकि मेरी गर्दन लंबी है राजकुमारी। ये इतने बड़े सिर किसके हैं रेड हेरन? क्या किसी किस्म के टोटम है ये? नहीं, वो ऑलमैक्स हैं। ये प्रजाति अब खत्म हो चुकी है। ये सिर उन विशाल लोगों के प्रतीक हैं जिन्होंने हमसे पहले धरती की जनसंख्या बढ़ाई थी। ये सब बकवास है, सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन हमें एक हड्डी मिली थी जो मेरे बराबर लंबी थी। हमारे यहाँ भी अजीब हड्डियाँ हैं, लेकिन वो हमारे धार्मिक जानवरों की। यकीनन, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इंसानी सर हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ विशाल लोग रहा करते थे। कल दिन भर तुम लोग आराम करना, और परसों तक हम टिनक टिटल की राजधानी पहुंच जाएंगे, समझ गए? क्या वो उक्समॉल से भी बहुत बड़ा शहर है जो हम अभी छोड़कर आए हैं? बड़ा, बड़े से भी बड़ा खूबसूरत मायन शहर। याद है, अपने जमाने में मायंस बहुत ताकतवर होते थे। उक्समॉल का धार्मिक शहर अब इतनी अहमियत नहीं रखता, और दूसरी ओर टिनक टिटलैंड बड़ा और ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए तुमने कितनी प्रजातियों पर हमला किया? हमने ना जाने कितनी प्रजातियों के साथ युद्ध किए, और उनमें से कई हमारे साथ भी आ गईं।
हर प्रजाति का अपना एक तरीका है, लेकिन उन्हें हमें कर देना होता है। क्या तुमने इंसानी बलि भी दी है? मैंने और मेरे सैनिकों ने उक्समाल में पोकांटस को ये बात कहते हुए सुनी थी, और हम उसकी बात से सहमत हैं। पूरी दुनिया के समाज के लोग इंसानी बलि देते आए हैं अपने ईश्वर को। बलि के लिए चुना जाना हमारे लिए गर्व की बात है। हम इसे सुकून की मौत कहते हैं। ये हमारे पारंपरिक रिवाज हैं, क्योंकि बलिदान देने से हम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। ये पुराने रिवाज हैं जो हमारी प्रजाति के लिए बहुत अहम हैं। क्या हमारे महान योद्धाओं की भी बलि चढ़ाई जाती है? बोलो। नहीं, उन्हें जिंदा रहना होता है बहादुरी से लड़ने के लिए। आप बलि के लिए लोग फिर कहां से लाते हो, जब आपने सारे कबीलों पर कब्जा कर लिया है? यही हमारी मुसीबत है। आजकल हम बहुत ही कम बलि चढ़ा पा रहे हैं, जिससे कि ईश्वर हमसे नाराज हो रहे हैं और हमें उनका क्रोध झेलना पड़ रहा है। तो तुम बलि के लिए अपना शिकार कहाँ ढूंढते हो? हमने एक तरीका अपनाया है जिसे हम वॉर ऑफ फ्लावर कहते हैं। प्रजातियों के आपसी युद्ध में जो भी बंदी बनाए जाते हैं, हम उन्हीं की बलि चढ़ाते हैं। टेनकटिटल के नए मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए हमने 3 दिनों में 20,000 कैदियों की बलि चढ़ाई है। टैक्स कोको के महाराज, जिस शहर में हम इस वक्त हैं, वो तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का स्वागत करना चाहते हैं। टैक्स कोको एक शानदार शहर है और यहाँ के राजा हमारे खास दोस्त हैं। वो बहुत ही समझदार और नेक दिल राजा हैं और उनका नाम है नेट्सा वॉलपिली। वो हमेशा अपने नागरिकों की मदद करते हैं, कभी कोई भेदभाव नहीं करते। आप इतना सब कैसे जानते हैं? मैं टेनकटिटल के पास का ही रहने वाला हूँ। एक दिन महाराज ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया, क्योंकि किसी ने उनसे कहा कि मैं बहुत तेज दिमाग हूँ। बाथरूम देखो और ये जान लो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। चलो उठ जाओ और मेरे पीछे आओ। जिम्मेदार नागरिक के लिए ये शर्म की बात है कि वो मौत से भागे। ये शर्म की भी बात है उसके परिवार और शहर के लिए भी। हम सभी की जिंदगी में एक दिन तो मौत को आना ही है। हमें जो भी ऊपर वाला देता है, हम उसे खुशी से कबूल करते हैं। आपके यहाँ ये रिवाज बलि देने का हमेशा से है क्या? मैक्सिकस और एस्टिक्स के आने से पहले इंसानों की बलि इतनी ज्यादा नहीं थी। ये दोनों प्रजाति आखिरी लोग थे जो इस धरती पर शरण के लिए आए थे। अगर वो शरण के लिए आए थे तो उन्हें यहाँ के रिवाजों का पालन करना चाहिए था। वो कैसे यहाँ पर राज करने लगे? जब वो आए तब हमने उन्हें छोटा सा टापू तालाब के बीच में दिया, क्योंकि उनके परिवार के लिए ज्यादा खाना नहीं मिल पाता था, इसलिए उन्होंने अन्न उगाने का नया तरीका खोजा। उन्होंने एक विशाल सतह तैयार करी और जिस पर वो अन्न उगाने लगे। ये उन्होंने कई सालों तक किया, ना सिर्फ अन्न उगाया बल्कि राज भी किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, वो वीर योद्धा और धूर्त राजनेता बनते गए, और जल्दी ही इलाके की सारी प्रजातियां जबरदस्ती उनके साथ हो गई। उन्होंने हमारी कहानियों की किताबों को नष्ट कर दिया, ताकि वो अपनी सुनहरी कहानियां बना सके अपने महान पराक्रम के बारे में। लेकिन ये उनके लिए नामुमकिन था कि वो पुरानी सभ्यता के निशानों को नेस्ता नाबूद करते जो उनसे पहले यहाँ थी। तुम किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हो नेट्ज़ावालपिली?
मैं चूचा वोकान और तूला की बर्बादी के बारे में सोच रहा हूँ। वो दोनों शहर टेनोथिक्लान से बड़े और ज्यादा जनसंख्या वाले थे। अब एस्टेक्स या वेकॉन को कहते हैं जहाँ सारे भगवान इकट्ठा होते हैं, लेकिन तेतियो वकान और थोला को टियोटेक्स ने बनाया। ये हमको उनकी दीवारों की चित्रकला से पता चलता है कि उन्होंने कभी भी भगवान को इंसान की बलि नहीं दी, बस फूल, तितलियां और पक्षियों की। बस एक ही चित्र है जिसमें लड़ाई दिखाई देती है, जहां एक योद्धा युद्ध में खेल रहा है और उसका माथा पंख से सजा हुआ है। टोल्टेक्स के भगवान शांति पसंद थे। उनमें से कुछ सिक्वाटल तो अभी भी बहुत सी प्रजातियों में पूजे जाते हैं। वहां के फेदर स्नेक का मतलब है ताकत और अच्छाई। आप दोनों बातों को अमूमन एक साथ नहीं रख सकते। देखो वो दोबारा बनाए गए चित्रकारी है जिसमें फेदर स्नेक साफ नजर आता है। ये सांप के साथ भगवान नहीं है, ये तो अंग्रेज है, स्पैनियर्ड है। उसने उसी तरह का हेलमेट पहन रखा है। मैंने सफेद आदमी के बारे में सुना है जो हमारे पड़ोस में रहते हैं मायस, इसीलिए हमें लगता है कि ये भविष्यवाणी सच होगी। वो भविष्यवाणी क्या थी? मुझे इजाजत दो क्वेट्सिकॉटल की कहानी बताने के लिए, जिनको मायस ने कुकुकान का नाम दिया। हम जानते हैं कि टूल्टेक्स हमसे बहुत अलग हैं। वो दाढ़ी रखते थे और धरती को ऐसे सींचते थे कि बिल्कुल भी रेगिस्तान नहीं बचा। क्वेट्सिकॉटल एक अच्छा और नेक राजा था जिसने सितारों का चार्ट बनाया, नंबरों का आविष्कार किया जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से खाने का तरीका भी बनाया। उसके शासन के दौरान बहुत ही अलग रंगों की रुई उगती थी, जैसे उन्हें पहले से ही रंगा गया हो। और एक एक मक्का इतना बड़ा होता था कि उसे एक आदमी उठाकर नहीं ले जा सकता था। बाद में क्या हुआ? ये बहुत महान कहानी है, लेकिन बाद में भी तो कुछ हुआ होगा। बुजुर्गों का कहना है कि एक दिन क्वेट्सिकॉटल ने अपने बर्ताव से कुछ अलग ही किया। उसने ईस्टर्न ओशन के किनारे पर एक राफ्ट को तैयार किया और चला गया वादा करके कि वो वापस आएगा। बस उसी दिन से क्वेट्सिकॉटल द फेदर स्नेक सारी प्रजातियों में पूजे जाते हैं। मतलब जब स्पैनियर्ड्स उतरे तो आपको लगा क्वेट्सिकॉटल और टोल्टेक्स वापस आए हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। जब एस्टिक का मुखिया मरा तो उसके बेटे क्वाक्टिमो को उसकी जगह पर नहीं चुना गया, बल्कि उसके भतीजे मोंटेजूमो को चुना गया। मोंटेजूमो भविष्य को लेकर दुविधा में था और उस पर जुनून सवार था। मोंटेजूमो ही था जिसने ये सोचा था कि क्वेट्सिकॉटल और टोल्टेक्स दोनों ही वापस जरूर लौट कर आएंगे, और इसी वजह से उसने कुछ गलत निर्णय लिए। बहुत खुशकिस्मत है जो हमें ग्रेट चीफ जैसे बड़े ज्ञानी मिले हैं। अब हमें मायन और एस्ट्रिक्स के भूतकाल के बारे में पता है। हाँ, सच में मुझे बहुत खुशी है कि हम मुखिया नेट्जा वॉलपिली से मिले। उनकी बातों से तो लगता है कि टेनोक्टेलन बहुत ही कमाल की जगह होगी। उसने मुझे बताया कि ये सब उनके रिवाज की वजह से है, जो कहता है कि आदमी कुछ भी तभी दिखा सकता है जब उसने उसे खुद अपने हाथों से हासिल किया हो। मैं हमेशा उनकी सुनी हुई कविता और उनके पिता के बातों को याद रखूंगी। हाँ, मैं भी, मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगा। मुझे तो वो अच्छे से याद भी हो गई हैं। जिंदगी का चक्र चलता रहता है। हर बार जब सुबह होती है तो हमारे पूर्वजों की बातें याद रखनी चाहिए जो वो हमें सिखा के गए हैं। हमें प्रकृति की इज्जत करनी चाहिए और जीवित प्राणियों की भी। नदी भगवान की उदारता दर्शाती है जो इंसानों पर बरसती है, और वो हमें आशीर्वाद में बहादुरी दे जाती है। विशाल फेंस किस लिए है? ये फेंस नहीं है,
कोई भी इस जगह पर हमला नहीं करना चाहता। ये बहुत बड़ा डैम है, ये लेक के पानी को किनारे पर रोक कर रखता है। गलत हो बच्चों, चांद इतना भी दूर नहीं। बहुत अद्भुत। हाँ सही कह रही हो। क्या कमाल की जगह है। पूरा शहर देखना चाहोगी पोकाहंटस? हाँ जरूर। चलो महाराज हमारा इंतजार कर रहे हैं अपने महल में। महल में? चलो चलते हैं। महान मोंटेस जुमा के आगे दिल से झुकना मत भूलना, तुम्हें उन्हें पूरा सम्मान दर्शाना चाहिए। करना, हम मोंटेसुमा की कोई सब्जेक्ट नहीं, हम इज्जत अपने तरीके से देंगे। ऐसा चेहरा मत बनाओ, हम महान आत्माओं के दूत हैं, हम अच्छे से बर्ताव करेंगे। ठीक है, इस तरफ। हमें एक दूसरे के रिवाजों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अपनी हद में रहकर। अनंतदाता मोंटेसुमा, मैं महान आत्मा के प्रतिनिधि को आपके पास लाया हूँ। स्वागत है। मेरे पादरी और मेरे लोग बड़ी बेसब्री से आपके संदेश का इंतजार कर रहे हैं। निराश मत करिए। महान आत्मा का संदेश सबके लिए है, प्रीस्ट, राजकुमारी और सभी के लिए। अगर वक्त मिला तो जो महान आत्मा का संदेश आप लेकर आई हैं, वो मैं भी सुनूंगा। आप जल्दी जा रही हैं और ये मौका ना गवाते हुए यात्रा सुखद रहे और यही कामना करता हूं। रेड हेरन, तुम इनके साथ जा सकते हो। आपका शुक्रिया मेरे अन्नदाता। अब तुम लोग जा सकते हो। मेरे हिसाब से तुम आत्मा के प्रतिनिधि हो। इनकस राज में तुम्हारा स्वागत है।
मैं टकूस को ले जाने के लिए आप सबका इंतजार कर रहा था। शुक्रिया। मैं अपना परिचय करवा दूं। गौमंचू। बहुत अच्छे। हम सब बहुत खुश हैं कि आप यहाँ आए। मैं माफी चाहता हूँ कि ये जगह काफी खस्ता हालत में है, लेकिन कम से कम एक छत तो होगी। इतना काफी है, आपका शुक्रिया। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरे मुखिया का आदेश था। आइए इस तरफ। मैंने ऐसे जानवर कभी नहीं देखे, इन्हें ऐसे क्यों रखा? इनको लामस कहते हैं और ये बहुत ही कमाल के जानवर हैं। ये काफी दूर तक भारी सामान लेके चल सकते हैं। ये आपको इस इलाके में हर जगह मिल जाएंगे। तुम इन्हें लामास कहते हो? मैं दूतों को कीपू देता हूँ। 5 दिन में इनकीज में सब जान जाएंगे कि आप आ चुके हैं। क्या है ये? है कीपू। इनकी गांठों से इनके संदेश का पता चलता है। मुझे बहुत खुशी है कि हम वहाँ पर कुछ ही दिनों में पहुँच जाएंगे। अरे नहीं, इंकीज वालों को ये संदेश 5 दिन में मिल जाएगा, लेकिन हमें 1 महीना लगेगा। एक महीना? अगर संदेश 5 दिनों में पहुँच सकता है तो हमें 1 महीना क्यों? ये बहुत अजीब है। ऐसा क्यों? जिसको हम शासकी बुलाते हैं वो बहुत तेज भागता है। हर शासकी कीपू को लेकर भागता है, लेकिन सिर्फ 6 मिनट तक। जब वो अगले कस्बे तक पहुंच जाता है तो वो एक आवाज निकालता है जिससे अगले शासकी को पता चल जाए कि उसे तैयार रहना है। इस तरह संदेश कुस को पहुंच जाता है सिर्फ 5 दिनों में। वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही कारगर लगता है। अब मैं समझा कि हमें वहां पहुंचने में 1 महीना क्यों लगेगा। शुभ प्रभात पोकाहंटस। शुभ प्रभात। आज लामास क्या लेकर जा रहे हैं? बहुत से सामान जो कि हर कस्बा इंकीज को श्रद्धांजलि के तौर पर देता है और उन्हें यही एकत्र करते हैं। आप समझी? मैं समझ गई। वो पुल देख रहे हो? हमें उसे पार करना है। चिंता मत करो, वो बहुत मजबूत है। हाँ, ये तो बहुत ही मजबूत है। ये तो कुछ नया ही है। उम्मीद करता हूँ हम बीच में ही ना अटक जाएं। मुझे अपना हाथ दो, संभल के। बहुत ऊंचा है। ये तो हिल रही है। नीचे मत देखो। ऊंचाई पर जाते जाते सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने सही कहा था। अरे सोचा नहीं था ये इतना मुश्किल होगा। उनकी तरफ देखो, वो बिल्कुल भी नहीं थक रहे। वो तो ऐसे चल रहे हैं जैसे जमीन पर चल रहे हो। वो पहाड़ पर भी आसानी से चल रहे हैं। ओह नहीं, एक और पुल। नहीं सही।
पर मैं वादा करता हूँ कि ये आखिरी होगा। हम इसे पार करके कुस्को के बहुत नजदीक होंगे। चलो, ये पहले के जैसा ही है। इस पर मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ये बहुत हिल रही है। अगर हम गिरे तो जिंदा नहीं बचेंगे। कुस्को में आपका स्वागत है। हमारा सफर बेकार नहीं गया, ये तो खूबसूरत है। सीधे आगे आप देख सकते हैं खुशियों का चौराहा। वहाँ आपको मिलेंगे बहुत सारे आलीशान महल और मंदिर, और वो सारी सड़कें जो दूसरी महान राजधानियों की तरफ जाती हैं। हम लोग तकरीबन मंदिर तक पहुंच ही गए। लेकिन ये महल तो सोने से बना है। नहीं, इसके ऊपर बस सोने की परत चढ़ाई गई है। ये जवान अच्छा आदमी है, वास्का सापा इनका का बेटा, वाइना सापा। कैसे हो दोस्तों? मैं राजकुमार हास्का। आप कैसे हैं? आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मैं पोका हंटर्स हूँ, महान आत्मा की प्रतिनिधि, अपने सिपाहियों के साथ। पिता ने यहाँ आकर मुझे आपका स्वागत करने के लिए कहा, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं आपका गाइड बनूं। तुम्हारा शुक्रिया। हम लोग अब अंदर जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। कितने अच्छे हैं ये। ये बहुत ही भयानक था। बिल्कुल एक बुरे सपने की तरह। तुम भी बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते। ये खाना बहुत अच्छा है यार। सफर काफी लंबा था, आखिरकार हम यहाँ पर पहुँच ही गए। पर अभी हमने शायद आधा रास्ता पार किया है। बिल्कुल सही, ये सड़क दक्षिण की तरफ जाती है और नीचे जाकर तट की सड़क से मिल जाती है। पता है ये सड़कें किस लिए हैं? जरा सोचो, इन सड़कों की बदौलत इन्होंने कई जगह पर कब्जा किया है। इसके जरिए इनके योद्धा कहीं भी जा सकते हैं। कैसे हो दोस्तों? क्या आपने आराम किया? हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हमारी राजधानी को देखना चाहेंगे? हाँ, हम बहुत उत्सुक थे जानने के लिए। बहुत अच्छा, कुस्को में देखने लायक बहुत कुछ है। मेरे पीछे आओ, मैं आपको अपने इस शहर के बारे में बताता हूँ। शहर के 12 जिले सब शुरू होते हैं इस चौराहे से। शहर 4 बड़े बड़े टुकड़ों में बटा है जो दुनिया के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका महल सोने से क्यों ढका हुआ है? सारे महल नहीं, ये सूर्य मंदिर के पास है और सोना सूरज का निशान है। आप सूरज की पूजा करते हो? हाँ, और सूरज को बनाने वाले की भी, सापा इनका। मेरे पिताजी सूर्य देव के बहुत बड़े पुजारी हैं। ये कौन सा महल है? ये सूरज के कुंवारेपन का महल है। क्या? हाँ, तुम्हें भी सूरज के कुंवारेपन के लिए चुना जा सकता है। लेकिन अच्छा ही हुआ कि उसे ये मौका नहीं मिला। ये कौन औरतें हैं जिन्हें सूरज के कुंवारेपन के लिए चुना गया है? हम पूरे राज्य में से सबसे सुंदर औरतों को ढूंढते हैं और उन्हें कुस्को लेके आते हैं। यहाँ उन्हें एकांत में रहना पड़ता है, सबको अलग अलग। कुछ तो सूर्य की दासी बन जाती हैं और कुछ महान इंकस और उनकी पत्नी के लिए कपड़े बनाती हैं। दो लोगों के कपड़े सिलने के लिए ये लोग इतने व्यस्त कैसे रहते हैं? क्योंकि वो कपड़ा एक ही बार पहनते हैं। सच में? फिर जला देते हैं। वो क्या है? बहुत खूबसूरत है। ये पूरी कांचा है, इसका मतलब है सोने की बाढ़। वाह, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ये
यही वो जगह है जहाँ सबसे पहले इंकस का घर था, जब उन्हें हमारी मदद के लिए यहाँ भेजा गया था। हमारे चारों तरफ सूरज के मंदिर हैं, चांद के मंदिर भी हैं, तारों के मंदिर भी, बिजली और इंद्रधनुष के मंदिर भी। यही वो जगह है जहाँ सूरज के सारे पुजारी इकट्ठा होते हैं। क्या चल रहा है? मेरे पिताजी, उन्होंने छुट्टी का ऐलान किया है, सब लोग बाजार जा रहे हैं। सामान यहाँ पे मिलता है, हर कोई इनका के आदेश का पालन करने के लिए बेताब रहता है। हमारे राजा ने के तौर पर वो आदमी इनका के नए सामान को लोगों को बता रहा है। खरीदारी कीजिए। मैंने कभी भी इस तरह से इतने सारे सामान एक जगह पर नहीं देखे। सब कुछ मिल सकता है। अजमेर हमारी यात्रा के लिए शुक्रिया। हमने ये सीखा कि माया, एस्टेक्स और इनका सभी एक प्रजाति हैं। ये बिल्कुल सही है पोकाहंटस। हम लोग तीन अलग अलग प्रजाति के हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही थे। ये समझाता है रीति रिवाज, रहन सहन एक जैसा है और धर्म भी एक है। हम सभी सूर्य की पूजा करते हैं। और तुम्हारे मिलते इतिहास का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया जाता है। हाँ सही कहा, सदियों से हमारा यही रिवाज है। चलो चले, कल सुबह हम लोग माचू पिचू के लिए निकलेंगे। माचू पिचू? हाँ, वहीं पर एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। कुज्गो कुछ भी नहीं है माचू पिचू के मुकाबले। माचू पिचू बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। और कितना दूर, हम तो चढ़ते ही जा रहे हैं। ए, वो क्या है नीचे देखो। हाँ, वो क्या है? मुझे तो ये सब हिरन जैसे लग रहे हैं। मुझे नहीं पता हिरन क्या होता है, लेकिन ये पिकोमस है। हम लोग धार्मिक जगह पर पहुंच रहे हैं। सड़क यहाँ खत्म होती है माचू पिचू का राज बनाए रखने के लिए। जिसे ये राज पता है वही वहाँ जा सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ माचू पिचू की रक्षा करते हैं, जो कि घाटी में स्थित है। इनका के लिए रास्ता दो। महान क्वाइनक पाक पधार रहे हैं। लगता है वो सन वर्जिन है क्वाइनक पाक के पीछे। स्वागत है पोकाहंटस। hmm.
आज हम दूर से आए मेहमानों का स्वागत करते हैं। वो संदेश लाए हैं वेरा कोशा से। पोका हंटर्स जो कहने वाली हैं उस पे हमें ध्यान देना होगा। हम सब काले ओमेन के बारे में सदियों से सुन रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इनके संदेश से हमें ताकत मिलेगी भविष्य में अपने राज्य की रक्षा करने के लिए। राजकुमारी पोका हंटर्स, प्लीज आप महाराज से पहले अपना संदेश सुनाइए, हम सब सुनना चाहते हैं। राजकुमारी पोका हंटर्स आइए। जाइए राजकुमारी। मेरे दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए ओमन के प्रकोप से, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। वीरा कोचा को हमारे दुश्मन तबाह कर देंगे। आप लोग अपने बच्चों की हंसी अब ज्यादा देर तक नहीं सुन पाएंगे। और इस मुसीबत से बचने का बस एक ही तरीका है, आप लोग अपने मतभेदों को भुलाकर हाथ मिला लो और पूरी ताकत से अपने जमीन को बचा लो। याद रहे, जिंदगी एक धार्मिक घेरा है। जो कुछ भी आप आज बोओगे वही कल पाओगे। आपने एक महान राज्य खड़ा किया है, क्या आप चाहते हैं वो एक दिन में खत्म हो जाए? ये हो सकता है अगर आप एकता को बचा कर नहीं रखेंगे जो आपको अभी मिली है। राजकुमारी, आपने जो भी बातें कही हैं उसे हम हमेशा याद रखेंगे। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ आयना कपक। ये बहुत अच्छी जगह है रुकने के लिए। आप सही कह रही है पोका हंटर्स, लेकिन ख्याल रहिए चीमू की धरती है। आप चीमू को लेकर चिंतित क्यों हो? क्योंकि बहुत समय पहले ये एक बहुत ही अमीर और ताकतवर प्रजाति थी, लेकिन वो हमारे दुश्मन थे। और जब हम उनसे युद्ध करने गए जिसमें कि हमने अपने दादाजी को खो दिया, और एक बार जब हम हार गए तो वो हमारे लिए खतरा बन गए। क्या इनका राज्य ने यहाँ के सभी लोगों पर फतेह पाली? हाँ, लगभग अब सारे हमारे राज्य में है, लेकिन कुछ हैं जिनके पास सेनाएं हैं और जो हारे नहीं, जैसे कि हिबारोस जो अमेजन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। जिस रास्ते से हम जाने वाले हैं वो उनकी हद से काफी करीब है, हमें सावधान रहना होगा। वो बहुत ही बेरहम लोग हैं, वो अपने दुश्मनों का सिर काट कर उसे कैसे भी कर अपनी मुट्ठी के जितना बना लेते हैं। वो लगातार हम पर हमले करते रहते हैं, मैं उनसे दूर ही रहता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मॉक वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है उसे अपनी माँ की याद आ रही है? हाँ, क्यों नहीं, मॉक तो सबकी माँ है। जंगल में इतना चलने के कारण मुझे भूख लग रही है। तुम क्या कहते हो, क्या हमें रुककर कुछ फल खाने चाहिए मॉक? मुझे लगता है मॉक एक खरगोश खाना पसंद करेगा, क्योंकि वो एक मांसाहारी है, वो फल नहीं खाएगा। मॉक, मैं खरगोश पकड़ता हूँ ताकि तुम हमारे लिए नाच सको। राजकुमारी, आप सब आगे चलिए, मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। शुक्रिया, लेकिन इससे हमें देर होगी और ये खतरनाक भी है। फिक्र मत करो, आप लोग आगे चलो, मैं जंगल के इस हिस्से से वाकिफ हूँ। गांव चुमो, इन्हें जंगल के बाहर तक सुरक्षित लेकर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिक्र मत कीजिए, वास का बहुत ही चालाक इंसान है, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये इवारों की हद है, लेकिन सु
मैं जानता था कि बारूद हम पर नजर रख रहे हैं। हमारा शिकार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें दिखा देते हैं। लेकिन वो क्यूरोरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो लोग हिवारोज हैं, समझे? वो शिकार करेंगे। यहाँ पर कुछ तो अजीब है। ऐसा लगता है कि हम फंस चुके हैं। हम उन्हें ऐसा दिखाएंगे कि हम उनकी जाल में फंस गए और मौका मिलते ही हम उन पर हमला कर देंगे। वो वहाँ पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं। जाओ। ये तो वास्का है। वास्का को पकड़ लिया। चलो चले। भागो भागो भागो। भागो, चलो अब कौन जाल में फंस गया? वास्को, तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक सही सलामत हूँ। तुम्हारे दोस्तों का शुक्रिया। उसकी तरफ देखो, वो लड़ना चाहता है। वो हमसे नफरत करते हैं, उन्हें मार देना चाहिए। पर क्यों? नहीं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। सुना तुमने? राजकुमारी पोकाहंटस तुम्हें रिहा करना चाहती हैं। चलो उन्हें इन्हीं के हाल पे छोड़ दो, मैं तो यही कहूँगा। इनकी वजह से पहले ही हमें काफी देर हो गई है, हमें चलते रहना चाहिए। क्या आप तैयार हैं राजकुमारी? हम पैरामुंगा पहुंच गए, जो शहर नदी के ऊपर दिखाई देता है। मैंने आपके लिए सारा इंतजाम पहले ही करवा दिया है। क्या आप तैयार हैं राजकुमारी? मैं तैयार हूँ। कभी नहीं भूलेगी। हमारी पुश्तों का शुक्रिया, हमारी यादें अमर हैं। आपने इनका दुनिया की बहुत सी बातें हमें सिखाई। क्या आप हमें भूल जाएंगी? बिल्कुल नहीं। शैतान की बात सही हुई तो? वीरा पोचा रक्षा करेगा।
उम्मीद है महान आत्मा हमारा ध्यान रखेगी। तुम्हें क्या लगता है जब से हमने सफर शुरू किया है सब कुछ बदल गया होगा? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम 100 साल पीछे कैसे आ गए। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा हम छोड़ कर गए थे, पीले चेहरे वाले भी। जहाँ हमने घोड़े छोड़े थे क्या वो अब भी वही होंगे? पोकाहॉन्टास, हम तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का स्वागत करते हैं। तुमने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। अपने पूरे सफर के दौरान तुमने कभी खुद को जिंदगी के घेरे में उलझने नहीं दिया। हमारे लोगों को उम्मीद और हमारा साथ चाहिए बुराइयों से लड़ने का। तुम और तुम्हारे दोस्त उनके साथ हमेशा उनकी जिंदगी में रहोगे, चाहे उनकी जीत हो या हार हो, चाहे वो कैदी बन जाए या फिर देश से निकाल दिए जाए। तुम कचीना स्पिरिट बनाओगे और अपने लोगों को सदियों तक जीवित देख पाओगे। तुम और तुम्हारे दोस्त हमेशा साथ रहोगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार, तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे रहेंगे। अपने धार्मिक राज्य की जिम्मेदारी सौंपते हैं और इसको निभाने में हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। ये रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। इससे पहले कि तुम अपनी जिम्मेदारियां संभालो, हम चाहते हैं कि तुम उस महान पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाओ।
तुम्हें जरूरत है कि तुम अपनी नई जिम्मेदारियों को समझो और अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करना भी सीखो। महान कचीना की आत्मा, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं।